तो दोस्तों अभी जो है सुबह का समय है और हम लोग दुर्गापुर आए हैं और यहाँ क्या है देख पा रहे हैं पूजा रूम है, पूजा का कमरा है और ऐसे में इसमें एक सांप आ गया है दोस्तों। तो पहले हम सांप को दिखाते हैं, देख पा रहे हैं ये इनका पूजा का कमरा है, यहाँ पूजा पाठ करते हैं लोग। और यहाँ पर ये जो रैक बना हुआ है जिसमें काफी सारे पूजा पाठ की किताबें रखी हुई है, तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहीं पर जो है कैसे ये कोबरा सांप आके किस तरह से रैक पर लपेट के बैठ गया है दोस्तों, देख पा रहे हैं। और जहरीला सांप है तो समझ सकते हैं दोस्तों, अगर कोई किताब निकालने के लिए यदि अंदर हाथ डाल देता तो क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, इसको हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। सांप को हमने क्या है पकड़ लिया है, थोड़ा छोटा शायद ये कुछ शिकार किया है दोस्तों। और ये नाग सांप वीडियो बना ना, वीडियो देख ले, बाप रे बाप, आइए नजदीक आ जाइए, तो दोस्तों देख रहे हैं ऐसा बनाइए ले ले बेटी कहना चाहिए और ये जो है शिकार किया हुआ है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अपना शिकार उगल रहा है। आइए तो ये चूहा खा लिया था और चूहे को इसने उगल दिया है, तो देख सकते हैं दोस्तों सांप ने चूहे का शिकार किया था और क्या था छिपने के लिए इसे जो है रैक मिल गया था, रैक पर जो है ये अच्छी तरह से लिपट कर बैठ गया। कितना तो ये एक जहरीला सांप है, बताते हैं हम अपने वीडियो में हमेशा कि सांप कोई भी हो अगर आपको बाइट करता है, सांप काट लेता है तो आपको अस्पताल जाना है, ना कि झाड़ फूक में रहना है, वरना क्या है अगर ऐसा जहरीला सांप यदि आपको काट लेगा तो आपकी जान चली जाएगी, क्योंकि इस सांप के काटने के बाद कम से कम 40 मिनट से घंटे भर तक का ही समय मिलता है, इसलिए आप लोग को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अस्पताल जाना चाहिए। तो देख रहे हैं दोस्तों इसे हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं, अपनी भाषा में हम लोग गेहूमन सांप, नाग सांप, कहीं कहीं इसे अधसर भी बोला जाता है, पिटार भी बोला जाता है, देख रहे हैं। इतने गोरे है वो एक रोज का ये बड़ा रहे ना, रख लीजिए रख लीजिए, बड़ा है मोटा भी ले तो सुंदर खाने चले। चलिए नाग बाबा अंदर चलिए, नहीं जा रहे हैं फाइनली हमने रेस्क्यू कर लिया, इसे ले जाकर हम लोग जंगल में रिलीज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चलिए सबको समय बिना गवाए हुए हम लोग रिलीज करते हैं, और सबसे पहले आइए देख सकते हैं ये कोबरा सांप, इसे जो है हम लोग अभी अभी पकड़ कर आ रहे हैं दोस्तों, और चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। देख पा रहे हैं ये कोबरा सांप इधर जा रहा है, आइए दोस्तों अब हम अगले सांप को निकालते हैं। ये भी कोबरा है, बड़ा साइज का कोबरा है दोस्तों, और ये काफी ज्यादा गुस्से में है। तो देख पा रहे हैं ये बड़ा साइज का कोबरा सांप निकल चुका है और जंगलों की ओर जा रहा है, चलिए इसे भी हम लोग जाने देते हैं।
अब हमारा अगला स्नेक दोस्तों, ये सबसे डेंजरस सांप रसल स्वाइपर, जिसे हम लोग मुंगेर जेल में रेस्क्यू करके आए हैं। और देख सकते हैं कोबरा जा रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग रसल स्वाइपर को भी निकालते हैं, चाहेंगे कि यह भी चला जाए। यह भी बहुत तेजी से जा रहा है दोस्तों, काफी स्पीड है इसके अंदर। तो चलिए ये भी चला गया। और अब जो है साथियों, हमारा सबसे खूबसूरत सांप, जिसे हम लोग जानते हैं ब्राउन बैक ट्री स्नेक के नाम से, पेड़ों पर रहने वाला बहुत ही सुंदर सांप है ये। आइए इसे हम लोग दोस्तों निकालते हैं बाहर। देख रहे हैं काफी रंग बिरंगा सांप, उड़ने वाला सांप। इसे चलिए हम लोग पेड़ पर छोड़ते हैं दोस्तों। देख रहे हैं बहुत तेजी से गायब हो गया, सेकंड भी नहीं लगता है गायब हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।